हे गाइस, होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी मेरी वीडियोस के थ्रू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटिस कोइन के बारे में, जिसके बारे में काफी रिक्वेस्ट थी लोगों की कि इसकी काफी अपडेट्स आने वाली है, इसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए। क्या ये हमें प्रॉफिट दे सकता है, क्या हमें 50% प्रॉफिट दे सकता है, या फिर कितना प्रॉफिट हम इसके अंदर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ये आपको बिटकॉइन डबल कर सकता है आने वाले 15 से 20 या फिर 2 महीने के अंदर। तो चलते हैं वीडियो के अंदर, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि क्या है स्ट्रैटिस कोइन और क्या इसके अपडेट्स आने वाले टाइम में। अगर आप मैं चैनल पे न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहुंच गए हैं कोइन मार्केट कैप के ऊपर। यहां पे अगर हम स्टैटिस कोइन का प्राइस देखें तो $6.75 करंट में प्राइस चल रहा है इसका, और अगर हम स्तोशी की बात करें तो 74,000 स्तोशी इसका करंट प्राइस चल रहा है इन टर्म ऑफ बिटकॉइन। यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 666 मिलियन इसकी करंट मार्केट कैप चल रही है, जो कि अच्छी खासी है, और रैंक भी इसकी काफी अच्छी है। 39th रैंक पे अभी ये कॉइन मार्केट कैप के ऊपर रन कर रहा है। तो सबसे पहले स्ट्रैटिस कॉइन की बात करें कि ये बेसिकली वर्क किस चीज के ऊपर करता है, तो ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, लाइक कार्डानो, लाइक जिलिका, लाइक इथेरियम, लाइक क्रेडिट, काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनकी तरह ये भी। इसके ऊपर आप आईसीओज हैं वो अलग अलग आईसीओ आके इसके ऊपर अपनी डैप्स बना सकते हैं, उसी तरह से वर्क करता है जैसे कि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उनके आने वाले टाइम में काफी डिमांड है, और अभी भी आप देखते हैं कितना ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लाइक लूम नेटवर्क आप देख सकते हो, जिलिका को देख सकते हो काफी अच्छा बूम किया है, होलो चेन को देख सकते हो अभी आईसीओ से बाहर आया लेकिन फिर भी 10x के आसपास हो चुका है, 10-20x। तो काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और फ्यूचर आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काफी ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का। तो बिना टाइम वेस्ट करते आगे इसके अपडेट्स के बारे में बात करते हैं कि इसकी अपडेट्स क्या आने वाली है। फर्स्ट अपडेट किसकी बात करें तो 16th of May को ये अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अल्फा लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि काफी अच्छी न्यूज और काफी बड़ी न्यूज है, जिसके अभी 5 दिन पड़े हैं न्यूज के लिए, 3-4 दिन पड़े हैं। और यहां पे उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो 31st of May को इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्टैटिस प्लेटफॉर्म के ऊपर फर्स्ट आईसीओ आने वाला है जिसका नाम है ग्लोन। और यहां पर आप देख सकते हैं ग्लोन आईसीओ जो है वो फर्स्ट आईसीओ लॉन्च होगा इनका 31st of May को इनके स्टेटिस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर नेक्स्ट न्यूज की बात करें 30th of June को ये अपना साइड चेन्स का अल्फा रिलीज करने जा रहे हैं, उसके बाद अपना एकेडमिक कोर्सेज डेवलप करने जा रहे हैं 30th of June को। अगेन इनकी 30th of June को इनकी न्यूज है कि ब्रीज वॉलेट प्राइवेसी प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करता है, उसको लॉन्च करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी फाइनल न्यूज है 30th of June को ये अपना फुल नोड मेन नेट लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज है। तो यहाँ न्यूज की बात करें तो मई के अंदर दो न्यूज है इसकी, उसके बाद जून के अंदर इसकी 4 न्यूज है जो कि 30th of June के लिए ही शेड्यूल्ड है। तो अगर हम बात करें आने वाले 50 दिन के अंदर इसकी 6 न्यूज है जो कि ज्यादा बड़ी न्यूज है, काफी ज्यादा बड़ी न्यूज है, जिनकी काफी अच्छा प्राइस का स्पाइकअप देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम बात करें $6.74 है, तो मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका प्राइस $10 क्रॉस करेगा और इवन मुझे लगता है कि $15 तक भी जा सकता है, यानी कि 150%। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि इजिली आपको 50% तक तो दे सकता है आने वाले 40 से 50 दिनों के अंदर, और हो सकता है आपको आपके बिटकॉइन जो है वो भी डबल कर दे। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपनी खुद की स्टडी कीजिए। मैंने अपनी स्टडी की है, मैंने इनका टेलीग्राम, इनका ट्विटर वगैरह के ऊपर अपडेट्स देखे हैं, काफी अच्छे अपडेट्स दे रहे हैं। बाकी आप इनका टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप इसके क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, और अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिले तभी आप इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि किसी भी लॉस या प्रॉफिट की हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। यहाँ पे अगर इसके चार्ट की बात करें, थोड़े टाइम पहले अपना ऑल टाइम हाई लगा के आया था, और ऑल टाइम हाई की बात करें $20 तक इसका हाईएस्ट प्राइस गया है। हो सकता है $20 भी क्रॉस कर दे आने वाले 2 महीने के अंदर, क्योंकि ये पूरा का पूरा इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे अपने प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे और उसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा। तो होपफुली जिनके भी स्टैटिस कोइन के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे उनके क्लियर हो गए होंगे कि मेरा क्या ओपिनियन है। काफी अच्छा कोइन, अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 2 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो तो काफी अच्छा प्रॉफिट आपको शॉर्ट टर्म के लिए दे सकता है, यानी कि 20 से 30 दिन या 40 दिनों के अंदर। थैंक यू उन सब लोगों को जिन लोगों के मैसेजेस थे या कमेंट थे स्टैटिस कोइन के रिगार्डिंग, काफी ज्यादा कमेंट या मैसेजेस थे तो उनके थैंक यू। मैंने इस कोइन की तरफ ध्यान नहीं दिया था लेकिन अभी देखा तो काफी अच्छे अपडेट्स और मैं भी इसके अंदर इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। इसकी रैंक भी अभी अच्छी खासी चल रही है, आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी इनके अपडेट्स देख सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए। आप देख सकते हैं रात को 4:30 बजे बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और हो सकता है 1 या 2 दिन बाद ये वीडियो अपलोड करूं तो तब तक प्राइस मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो भी प्राइस हो इस प्राइस के आसपास आप इसको बाय कर सकते हो। सकता है इसका प्राइस अभी और ड्रॉप हो जाए, $65,000 स्तोशी तक भी पहुंच जाए क्योंकि मार्केट के अंदर करेक्शन चल रही है, लेकिन आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्राइस आप जितना चीप मिले आप इसको खरीद सकते हो, उसके बाद प्राइस के अंदर स्पाइकअप हमें जरूर देखने को मिलेगा आने वाले 1 महीने के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और मेरे साथ अर्निंग करते रहिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आप किसी और कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं। बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद।